लास्ट क्वेश्चन इस भाई का, आखिरी सवाल इस भाई, यस। यदि किसी भाई या बहन का बपतिस्मा 1 या 2 साल पहले हुआ हो और वो भाई या बहन तब से चर्च ना आया हो और ना ही उसकी टाइथ दी गई हो और ना ही उसने कभी चर्च से संपर्क किया हो, तो क्या ऐसे भाई बहनों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अगर वो अब चर्च आना चाहते हैं तो क्या दोबारा बपतिस्मा होगा या नहीं होगा? गॉड ब्लेस यू माय प्रेशियस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू कह रहे भाई। आई पुट दैट क्वेश्चन इन इंग्लिश, आमेन। इफ आई एम ब्रदर और सिस्टर हैज बीन बैप्टाइज्ड 1 or 2 years back maybe, अगर एक भाई या बहन लगभग 1 या 2 साल पहले उसका बपतिस्मा हुआ हो, एंड हैज नॉट कम फ्रॉम द टू द चर्च, और वो चर्च में नहीं आया हो, नादर एक्सरसाइज द टाइथिंग्स, ना ही उसने दशमांश को एक्सरसाइज किया हो, एंड नादर कॉन्टेक्टेड द चर्च, ना ही चर्च में संबंध जोड़ा हो, Now they want to come back. अब वो वापस आना चाहते हैं. What should be done to them? क्या होना चाहिए उनके लिए? Well, I'll give a straightforward answer. मैं आपके लिए उसका सीधा सा सवाल का जवाब दूंगा. Ask them. उनसे पूछिए. What have you done during those last 1 or 2 years? उन 1 या 2 सालों में आपने क्या किया था? That's right. Sometimes you find. कभी-कभी आप ये पाते हैं. It's a backslidden state. ये एक पिछड़ी अवस्था होती है. But he has not done something to reject the message. पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो संदेश का तिरस्कार कर दे. But he has being a backslidden person, परंतु वो एक पिछड़ी अवस्था में रहा है शख्स, not come to the church, चर्च में नहीं आया, neither exercise tithing, ना ही दशमांश exercise किया, and neither contacted the church, और ना ही कलीसिया के साथ कोई संबंध जोड़ा, it would be called a backslidden state, इसे कहा जाएगा एक पिछड़ी अवस्था, in that case, उस स्थिति में, he just needs to be restored back and make a public confession before the church, I have done wrong by not coming to the church, may God forgive me, I want to be restored, and the church should restore in brotherly love that brother or sister. उसके लिए केवल यही आयद होता है कि वो आए वापस और कलीसिया में बहाल किया जाए, किस रीति से, कि वो कलीसिया के सामने पूर्ण रीति से एक पब्लिक कन्फेशन करे कि मैं यहाँ नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि मैं वापस बहाल किया जाऊँ, खुदावन और खुदावन मुझे माफ करे। But if he has done or she has done something to defy this message. पर अगर उसने ऐसा कुछ काम किया है कि उसने संदेश का तिरस्कार किया है, married an unbeliever, किसी अविश्वासी से शादी कर ली, got married in a temple or a mosque or some place, कहीं या मंदिर में या किसी मस्जिद में उसने शादी कर ली, or became a drunkard, या कोई पियक्कड़ हो गया, and went to the world, और दुनिया में विलीन हो गया, then he needs to repent again and be baptized. तब उसके लिए जरूरी है कि फिर से तौबा करे और बपतिस्मा ले। But let him read Judges 19 also. पर पहले amen. न्याय 19 भी पढ़ ले। God bless you, my brother. I think I've answered all your questions. खुदावन आपको आशीष दे भाई। मैं सोचता हूँ मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है।